ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं आपकी बुक का एक एग्जांपल जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं और जो कॉफिशियंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशियंट। जो कॉफिशियंट होगा और जो जीरोज होगा उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालना है आपको, ठीक है। जो जीरोज निकालने, जीरो निकालने के आपको पास यहाँ इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। स्प्लिटिंग मेथड करो स्टूडेंट, आप सब सीख के आए हो स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। इस बीच वाली जो टर्म है इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है, इस बीच वाली टर्म को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पे तो आना चाहिए माइनस का 2x, क्योंकि माइनस का 2x दे रखा है, प्लस या माइनस करने पे तो माइनस का 2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे डिवाइड स्टूडेंट इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8। माइनस का 4 और प्लस का 2 क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ करके बता रहा हूँ मैं, माइनस का 4 और प्लस का 2 क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। माइनस का 4 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ओके देखो इधर, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये कर दिया मैंने, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 4 रह गया, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास जो फैक्टर्स आ गए वो x प्लस 2 और x माइनस 4, ये दोनों फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना होता है हमें, हमें जीरोज निकालने के लिए इक्वस टू जीरो लगाना होता है, ठीक है। इक्वस टू जीरो लगाओ तो x प्लस 2 इक्वस टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस 2, ठीक है। और अगर आप करोगे x माइनस 4 इक्वस टू जीरो तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x की वैल्यू माइनस 2 और एक आ गई x की वैल्यू 4। अब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, आपके पास जो ये जीरोज आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एक को तो कह दो आप अल्फा, ठीक है, जिसका साइन ये वाला होता है ना, और इसको आप कह दो बीटा, जिसका साइन होता है कुछ इस तरह, ठीक है। आगे बस हो जाए, ये अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई, तो ये तो निकल गए जीरोज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई मैं इधर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहां एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये वाला अल्फा ये वाला बीटा, इनकी जो वैल्यू आती है वो आती है स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए, क्या आती है स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए। अब बी और ए क्या है, बी और ए आपको यहां से इस इक्वेशन में बताना है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें से बताना है। अब बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दी ये वाली, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट माइनस 2 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट वो माइनस 8 होगी, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी बताया आपको, ये रही अल्फा ये रहा बीटा, अल्फा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस 2 और बीटा की वैल्यू आपके पास 4, तो क्या आई है। और यहाँ पे देखो माइनस, पहले यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस 2, तो एक माइनस तो पहले से ही है, और बी की वैल्यू आप ऐसा करो आप इसको यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब देखो माइनस से पहले से ही ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है, तो 1 रख दी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास 2, प्लस का 2 आएगा क्योंकि 4 पॉजिटिव बड़ा है,
और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2/1 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो 2 = 2 आ गया, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, कोई दिक्कत है? बिल्कुल ईजी है। पहले सम ऑफ जीरो कर लो, फर्स्ट होता है इसमें सम ऑफ जीरो, जिससे अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। ओके, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड निकालना हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो में होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, सी अपॉन ए के इक्वल होता है वो। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस टू, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये रही सी की वैल्यू, यहाँ से देखो माइनस 8। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1। 4 × 2 - 8 = -8, तो वेरीफाई हो गया ये आपका, और ये हो गया आपके 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आ गई आपको बात समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और याद रखना, CBSE इसको जो 3 नंबर का क्वेश्चन देगी, ये 3 नंबर में आता है स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन देगी, तो आपको अल्फा और बीटा निकालने के आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको आधा नंबर इस फॉर्मूले का मिलेगा, और आधा नंबर आपको इस फॉर्मूले का मिलेगा, और आधा नंबर आपको ये वेरीफाई कराने का मिलेगा, और आधा नंबर आपको इस वेरीफाई निकालने का मिलेगा। इस तरह से 3 नंबर डिवाइड होंगे स्टूडेंट। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये है CBSE का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 नंबर में आता है अक्सर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से सीख लेना है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बताऊँगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया, फिर आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके स्टूडेंट, ओके, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।